ये 23 तारीख की घटना है। 23 तारीख को पीरी बाजार थाना अंतर्गत एक स्कूल संचालक जिनका नाम विराट आर्यन है, वो अपने घर से लापता हो गए और लापता के क्रम में 25 तारीख को कांड उसमें दर्ज हुआ। घटना के अनुसंधान में मालूम पड़ा कि विराट आर्यन को एक व्हाट्सएप मैसेज आया था। व्हाट्सएप मैसेज में उनको मुंगेर बुलाया गया। मुंगेर में वो अपनी बाइक से गए और वहाँ जाने के बाद जो है कॉल डिटेल के आधार पर वही उनका लास्ट लोकेशन पाया गया और वहीं से वो लापता हो गए। इसमें अनुसंधान में हम लोगों को मालूम पड़ा कि विराट आर्यन जो हैं वो शादीशुदा हैं और उनकी शादी में कुछ अनबन चल रही थी। उन्हीं की साली है जिनसे उनकी बातचीत होने लगी। बातचीत के क्रम में कुछ अवैध संबंध डेवलप हुआ और उसके बाद कुछ फोटोग्राफ या कुछ उस तरह का चीज़ें उन्होंने लिया। और जो इसमें एक लड़की हम लोगों ने अरेस्ट की है जिसका नाम दुर्गा करके है, ये लड़की ही उनकी साली है जिनसे उनका बातचीत होती थी और अवैध रिश्ता था। इस लड़की के पास से एक इसकी पर्सनल डायरी बरामद हुई है जिसमें वो अपने घटना के बारे में उसने काफ़ी कुछ उसमें बयान किया है और इसका मोबाइल बरामद हुआ है जिसमें हमको कुछ साक्ष्य मिला है। इसमें हम लोगों को मालूम पड़ा है कि लड़का जो विराट आर्यन जो अपहृत है उसके द्वारा लड़की को ब्लैकमेल किया जा रहा था कि उसका कुछ न्यूड फोटोज़ या उस तरह की चीज़ें जो हैं वो वायरल कर देगा। और इसी क्रम में लड़की के पिता और परिवार वालों को भी जानकारी अभी हाल फिलहाल में इस चीज़ों की हो रही थी, तो इन लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत विराट आर्यन से छुटकारा पाने का एक षड्यंत्र रचा। उसी के तहत जो लड़की मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी, जो व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रही थी, वो लड़की के पिता ने रख लिया और लड़की को एक नया नंबर अभी हाल में दिया। लड़की को बोला कि तुम अपना व्हाट्सएप मत चलाओ, हम तुम्हारा व्हाट्सएप चलाएंगे। और विराट आर्यन को पिछले कुछ दिनों से लड़की का फादर व्हाट्सएप मैसेज कर करके मुंगेर बुलाने का प्रयास कर रहा था। इसी बीच 23 तारीख को जब व्हाट्सएप का मैसेज किया तो विराट आर्यन आने के लिए तैयार हो गए और अपनी बाइक के साथ अकेले वहाँ निकल गए। लड़की को हमने शेखपुरा से पूछताछ के लिए बुलाया, वहाँ वो GNM का कोर्स कर रही है। वहाँ पूछताछ के क्रम में जब हम लोगों ने उसको बातचीत करी, उसकी डायरी पढ़ी और उसका मोबाइल का सर्च किया, तब हम लोगों को घटना के बारे में और डिटेल क्लियर हुई और लड़की भी अपने घटना के बारे में स्वीकारते हुए बताई कि षड्यंत्र के तहत उसके पिताजी, माँ ने और अन्य रिश्तेदारों ने इसमें उसको बुलाया और वहाँ पे उसकी हत्या कर दी। हत्या करके उसको बॉडी को गंगा नदी में फेंक दिया है और फेंकने के बाद उसको जो है वहाँ पे डिस्पोज कर दिया है। लड़के का मोबाइल के बारे में पूछने पे पता चला कि मोबाइल को भी लड़की के परिवार वालों ने उसको वहाँ पे जो है वो उसको फेंक फाक दिया है, उसको ख़त्म कर दिया है। इस प्रकार लड़की की स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर, लड़की की मोबाइल के आधार पर, लड़की की पर्सनल डायरी के आधार पर अभी तक जो अनुसंधान हुआ है, क्योंकि इसमें विराट आर्यन अभी भी लापता हैं, उनकी अभी भी बॉडी या खुद वो हम लोगों को नहीं मिल पाए हैं, इसलिए जो अभी तक अनुसंधान हुआ है उसमें हम यही मान के चल रहे हैं कि इस षड्यंत्र के तहत लड़की और लड़की के परिवार वालों ने उनकी हत्या कर दी है और जैसा उसका बयान है उस हिसाब से बॉडी को गंगा नदी में फेंक दिया है। हम लोगों ने बॉडी को रिकवर करने का हम लोगों का प्रयास जारी है और जहाँ पे बताया जा रहा है जहाँ से बॉडी को फेंका गया है उस जगह को भी वहाँ पे लोकल जो इन्फॉर्मर्स हैं उनकी मदद ले करके आगे का कार्रवाई की जा रही है। इस तरह से हत्या की गई थी सर। इसमें लड़की के जो बयान आया है उसमें यह है कि लड़की भी GNM का कोर्स कर रही थी, लड़की का पिता भी मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ था और इसमें एक नाम सामने आया है लड़की का मामा, वो भी मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ है। तो लड़की के अनुसार उसको एक नशे का या बेहोशी का इंजेक्शन दे करके उसकी हत्या करके उसको फेंक दिया गया है। हत्या कहाँ हुई? मुंगेर में की लड़की के बयान और स्वीकारोक्ति के हिसाब से हत्या जो है वो मुंगेर में हुई है। बाइक सर, बाइक के लिए बारे में भी हमने काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, उसका भी यही बोलना है कि बाइक को भी कहीं ठिकाने लगाया है, वो भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं जल्द रिकवर होगा। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? इसमें अभी हम लोगों ने 2 की गिरफ्तारी की है। इसमें लड़की जो षड्यंत्र में शामिल है उसकी गिरफ्तारी हुई है, लड़की का एक रिश्तेदार है जो कि षड्यंत्र में शामिल है उसकी गिरफ्तारी हुई है, मेन अपराधी इसमें जो है वो लड़की का पिता है, उसकी गिरफ्तारी के बाद इसमें और तथ्य सामने आएंगे। हालांकि जिस समय प्रीता को न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा था उस समय पत्रकारों के द्वारा कई बार
वो प्रश्न पूछे गए कि बताइए आखिर विराट कहाँ है, विराट के साथ क्या हुआ है, क्या उसकी हत्या कर दी गई या अभी भी वो जीवित हैं। ऐसे किसी भी प्रश्नों का लड़की ने, उस पीड़िता ने जवाब नहीं दिया। उसे जब यह पूछा गया कि आखिर ये बताइए कि विराट का बाइक कहाँ है, आप लोगों की प्रेम कहानी कैसे शुरू हुई थी और फिर किस प्रकार से आपने एक चैटिंग के माध्यम से विराट को बहलाया, फुसलाया और यहाँ तक लाने के लिए मजबूर किया, क्या ये बात सही है कि आपके पिता ने ही आपका उस मोबाइल फ़ोन का यूज़ किया, और फिर आपका कैसा तस्वीर था जो विराट के पास था जिससे आप काफ़ी अपने आप को असहज महसूस कर रही थी या आपको लग रहा था कि आपको वह कहीं ना कहीं बदनाम करेगा या फिर अन्य तमाम तरह के प्रश्न पूछे गए, लेकिन उस पीड़िता ने पत्रकार के किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, अपना सर झुकाए बैठे रही। यानी स्पष्ट है कि कलयुग के प्रादुर्भाव का जो सबसे दुखद तस्वीर है वह यहाँ स्पष्ट हो रही है और कहीं ना कहीं इस लड़की ने विराट की हत्या करवा दी।